हेलो सर। हेलो। हाउ हाँ जी, तो डिंग। आपको गोरा होना है। मैं हेलो। क्या, आपको गोरा होना है, यही पूछ रहे ना वो मैं नहीं था। नहीं आप? नहीं, अच्छा बताओ कहाँ से बोल नहीं रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? गुजरात से। सर गुजरात से। अच्छा बताइए, क्या सवाल है आपका? सवाल में ऐसा है सर कि जो अपर हैंड जो है मेरा उसमें कि पिगमेंटेशन पर हुआ था तो उसका वो हो गया है, क्या बोलते हैं उसको, डार्क जो होता है ना, द डार्क सर्कल, और वो तो वो नहीं जा रहा, क्या रीजन हो सकता कहाँ पे बताया आपने? अपर हेड पे। अपर। यस अच्छा, यहाँ पे कह रहे हो आप? यस यस यहाँ पे देख अच्छा सकते हो। अच्छा 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 ठीक है। तो कितना टाइम हो गया इसको? अच्छा, 1 ईयर हो गया सर। आप यस की 1 ईयर एज पूछ सकता हूँ ना मैं? आपकी एज क्या है? 26। 26। तो फिजिकल एक्टिविटी में क्या करते हो आप, बताओ? फिजिकल एक्टिविटी सर अभी तो घर पे ही करता हूँ क्योंकि जॉब से आता हूँ तो इतना टाइम नहीं मिलता है, तो हाफ एन आवर मतलब एक्सरसाइज में होता है जो वो घर पे ही एक्सरसाइज होता है, और उसके बाद 45 मिनट्स वॉक होता है, मतलब अच्छा टोटल हाँ 1.5 आवर की आप लगा लो तो एक्सरसाइज फिजिकल एक्टिविटी होती है अच्छा ऑलमोस्ट। देखो देखो, वॉक को बढ़ा के थोड़ा 1 घंटा कर दो आप, ठीक है? घर से दूर चले जाओ जो आधा घंटा लगे, फिर आधा घंटा आने में लगेगा, आधा घंटा जाने में, तो 1 घंटा हो गया आपका, ठीक है? तो वॉक थोड़ा सा बढ़ा दो, फिजिकल एक्टिविटी पे फोकस करो आप ज्यादा, क्योंकि यू आर जस्ट 26। देखो, अगर अभी नहीं वर्कआउट करोगे तो कब करना है? जब 46 के हो जाओगे तब वर्कआउट करना है ना? तो ये तो कहने की बात होती है कि मेरे पास टाइम नहीं है, आप 1 घंटा जल्दी सो के सुबह 1 घंटा जल्दी उठ सकते हो, ठीक है? तो मैं तो कहूंगा आप जाके जिम विम ज्वाइन कर लो, ज्यादा बेटर है, ठीक है? फिर भी अगर नहीं कर सकते तो 1 घंटा वॉक करो अपनी, और घर पे पुशअप्स वगैरह करो, ठीक है? 100 पुशअप करो डेली, बीस बीस पुशअप्स के तो करता हूँ सर, पांच डेली बीस डेली बीस के पांच सेट करो, हो गए 100। डेली पुशअप्स शुरू चल करता है क्योंकि उसमें क्या है कि मतलब 20 20 के 5 तो नहीं लेकिन 15 के 3 ऐसे सेट होते हैं, तो अलग अलग पुशअप्स जो होते हैं नॉर्मल डायमंड पुशअप ऐसा है, जो डिक्लाइन इंक्लाइन जो पुशअप्स होते हैं वो सब चलते रहते हैं, मतलब ऐसे 15 15 के सेट मारता हूँ वो ठीक है। बाकी आपकी होता है। डाइट में वाइटामिन सी की कमी है, फ्रूट्स और सैलेड्स आप नहीं खाते हो, एम आई नहीं राइट? सर डेली खाता हूँ, एक डेली जो लेमन वाटर होता है, लेमन वाटर 1 ग्लास जितना होता है वो पीता हूँ, सुबह जो गरम पानी नहीं पीता हूँ सर मैं, उससे कुछ अच्छा, इफेक्ट। नॉर्मल जो नॉर्मल पानी होता है वो पी लिया अगर सुबह। एक्चुअली क्या होता है, जब आप पानी पीते हैं तो बॉडी थोड़ा डिटॉक्स हो जाती है, बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है काफी सारा पानी पीना सुबह। तो सुबह आप एक बॉटल पानी गटक जाया करो, ठीक है? तो उससे फर्क पड़ेगा। बाकी हाँ, बाकी डाइट बताओ मुझे, कैसे कैसे डाइट होती है आपकी? डाइट में सुबह तो जैसे कि स्मूदी में 1 ग्लास दूध होता है, उसके अच्छा बाद 1 केला, फिर अच्छा पीनट बटर और होता है, उसके बाद आलमंड्स 4 5 डालता हूँ, फिर अच्छा जो फ्लैक्स सीड होता है वो 2 चम्मच, बड़ी नहीं बट छोटी, और अच्छा उसके बाद तो ऐसा करो ना, सीड्स सीड्स और ड्राई फ्रूट्स को ना पानी में भिगो दिया करो रात को, ठीक है? सुबह वही जो सोख किए हुए ड्राई फ्रूट्स और सीड्स है उनको स्मूदी में डाला करो, ठीक है? तो रात को भिगो दो, सुबह वो डाल दिया करो स्मूदी में, ठीक है? अच्छा चलो आगे बढ़ो। उसके बाद जो जॉब होती है तो जॉब में सुबह ब्रेकफास्ट में एक एप्पल होता है, अच्छा ठीक है। उसके बाद जो लंच में रोटी ज्यादा है सर, 4 या 5 रोटी खाता हूँ मैं क्योंकि कोई बात नहीं, दाल राइस नहीं खाने के लिए फिर रोटी नहीं खावा। रोटी उसके बाद सब्जी के साथ में और क्या होता है ना? सलाद सलाद होता है सर, कैरेट होता है और बीटरूट दो होता है सुबह, ठीक है। और उसके बाद दही दही लेनी है साथ में, दही याद में, याद में दही लेनी होता है, है। एक डब्बा दही ठीक होता है। हाँ है। उसके बाद शाम को जब आता हूँ तो नॉर्मल दूध होता है नॉर्मल, और खजूर 1 2 खा लेता हूँ उसके साथ, मतलब ज्यादा कुछ नहीं होता है शाम को तो, और उसके बाद शाम रात को, को जो नॉर्मल। शाम को दूध पीते हो? हाँ दूध तो सुबह स्मूदी में डालते हैं ना, फिर शाम को पीने की क्या जरूरत है आप? क्योंकि आपने डिनर करना, डिनर से पहले आप दूध पी लोगे तो डाइजेशन वैसे ही आपका थोड़ा स्लो डाउन हो जाएगा। तो शाम को दूध मत पियो, दूध पीना है तो रात को सोने से पहले पी लो आप, ठीक है? गर्म दूध करके थोड़ा सा उसमें हल्दी डाल लो या थोड़ा सा हाँ सिनेमन पाउडर डाल लो, तो वो बेटर है, ठीक है? हल्दी वाला सर पीता हूँ थोड़ा सोने से अच्छा पहले, और रात तीन जो तीन डिनर ग्लास होता पीते है रोज दूध, 3 ग्लास पीते रोज,
नहीं, रात को सर छोटा ही होता है, मतलब जो नॉर्मल कप होता है छोटा, ठीक है, वो उतना शाम को 100 150 ml जितना। हाँ शाम को अवॉइड करो दूध, शाम को मत पियो क्योंकि आपने डिनर भी करना होता है ना आगे। चलो ठीक है, आगे डिनर बताओ फिर। और डिनर में जो नॉर्मल रोटी सब्जी होती है या फिर कई बार दाल राइस होता है उसके साथ, जो आपने बताया था जैसे कि सलाद, उसमें ककम्बर होता अच्छा है और टमाटो, ये दो खाता हूँ। अच्छा ठीक है। देखो तुम्हारी डाइट ठीक है, सारी चीजें हैं, थोड़ा सा जो कमी है वो है थोड़ा सा प्रोटीन वाला चीजें इंक्रीज करो, जैसे सत्तू आता है, सत्तू रोज आप शाम को दूध पी हाँ वो सकते हो, डालता हूँ, सत्तू पी सकते हो। सुबह सुबह डालता हूँ, वो पीनट, डालता हूँ सुबह, पीनट्स या पीनट बटर दोनों में से कोई एक चीज ले लो आप, ठीक है, तो वो भी ब्रेड के रहता साथ हूँ सर। लगा सर लिया। हाँ पीनट बटर ले लो, कभी सलाद से उसमें ब्रांड का कोई वो होता है क्या कि ये देखो, ब्रांड अच्छा है, मतलब बात पीनट। बात ना ब्रांड बात ब्रांड्स की नहीं है, बात है इंग्रेडिएंट में क्या है, ठीक है। मार्केट में बहुत सारे पीनट बटर आते हैं, डोंट लुक फॉर सस्ते वाले पीनट बटर मत लो, जो इंग्रेडिएंट है ना उसमें खाली पीनट होना चाहिए और कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है, खाली पीनट उसमें होना शुगर वगैरह चलता है सर, चाहिए। नहीं एडेड शुगर नहीं ऐसा, चलता, नहीं क्योंकि नहीं उसमें इंग्रेडिएंट में लिखा होता है कि शुगर होता है, इसके लिए मैं पूछ रहा हूँ। नहीं देखो बहुत सारे ब्रांड्स आते हैं, मैंने कई वीडियोस भी बना रखे हैं जिसमें पीनट्स बटर आता है, उसमें खाली पीनट्स होता है और कुछ भी नहीं होता, ठीक है। आजकल बहुत ब्रांड आते हैं मार्केट में, ठीक है, तो ऐसा पीनट बटर लो और बहुत मिल जाएगा। अभी अभी मैंने ब्लिंकिट से एक पीनट बटर मंगाया था, उसमें पीनट्स ही थे खाली और कुछ नहीं था, ठीक है, तो पीनट्स वैसा वाला लो या घर पे बना लो, घर पे ओके, बना लो सबसे बढ़िया है, क्योंकि YouTube में आपने जो रेकमेंड किया था उसका मैंने देखा था, जो दो तीन ब्रांड पे, उसमें से मैंने यहाँ पे आसपास देखा था उस वो नहीं मिल रहा था, इसके लिए कुछ ऐसा। दूसरा फिर मैंने लिया। देखो अमेजोन पे हर चीज मिलती है, A to Z सब कुछ मिलता है अमेजोन पे, अमेजोन पे मंगा लो आप, कोई बात नहीं। अब तो ब्लिंकिट पे भी मिलने लग गया है कई चीजों पे, आप केमिस्ट की दुकान पे भी कई ब्रांड मिलने लगे, तो कोशिश करो आप अमेजोन से मंगा लो सबसे बढ़िया, ठीक है। बाकी थोड़ा सा प्रोटीन और वाला चीज मंगा जो लो, चाहे स्प्राउट्स हो चाहे सोया चंक्स हो, और हरी पत्तेदार सब्जियां भी कभी कभी ले लिया करो, फिर ये आपका ठीक हो जाएगा, हरी पत्तेदार सब्जियां जो आपके क्योंकि यहाँ। हाँ, हाँ तो मेन जो चीज है वो यहाँ अपर रेट का वो नहीं हो जा रहा है सर, मतलब पिगमेंटेशन के बाद का जो होता है ना पूरा फैल गया होता है, उसकी बात कर रहा हूँ, वो नहीं जा हाँ रहा बस है। और देखो मैंने आपको बोला ना, आपको जिम ज्वाइन कर लो सबसे बढ़िया रहेगा आपका, जिम ज्वाइन कर लो, ठीक है, एक जिम घंटा निकालो, एक घंटा निकालना कोई मुश्किल नहीं है, ये सारा माइंड गेम है, आपको बताऊं टाइम मैनेजमेंट इंसान को आना चाहिए, कैसे मैंने अपना टाइम को मैनेज करना है, ठीक है, हर चीज पॉसिबल है, बस माइंड सेट होना चाहिए कि मैंने करना है तो करना है, ठीक है। तो अभी आप 26 हो, यू मस्ट ज्वाइन जिम, बाकी मैंने डाइट बता दी, डाइट में जो कमियां हैं थोड़ा सा प्रोटीन वाली चीजें इंक्रीज कर दो, थोड़ी सी हरी पत्तेदार सब्जियां ऐड कर दो, बाकी सब ठीक है आपका, ठीक और है। सर वो जो जैसे कि अपने फ्लिक्स का बताया था कि फेस वॉश और सीरम, तो वो शाम को यूज करता हूँ तो अच्छा उसका अच्छा कोई इश्यू नहीं है, नहीं रात को देखो मैंने सीरम लगा देखो के सो जाता हूँ तो फेस कोई वॉश इश्यू हो गया, फेस वॉश हो गया या मॉइस्चराइजिंग क्रीम हो गई, सीरम हो गई, ये तो यूज करना ही है ना, तो मार्केट में जो चीजें आती हैं बेटर है आप ऐसी चीजें यूज करो जो लाइट है, जो फ्रूट से बनी हुई है, तो फ्लिक्स एक अच्छा ब्रांड है जो प्लांट बेस्ड है, ठीक है, एक प्लांट बेस्ड ब्रांड है, उसमें कोई हार्मफुल केमिकल्स नहीं है, तो आप बिल्कुल यूज करो वो अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चिराग ओके ओके जी चलो थैंक अपना यू सर, ख्याल रखो, थैंक यू सो मच फॉर लाइफ कमिंग लाइव, टेक केयर, आप किसी और से बात करते, जो भी व्यक्ति लाइव आना चाहता है मेरे पास अभी भी टाइम है, मैं 3 4 लोगों से और बात कर सकता हूँ, सौम्या कहती है सब।